भाई 20 जुलाई को लॉन्च होने वाली है दमदार महिंद्रा की XUV 200, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। कंपनी ने अपनी आने वाली XUV 200 को 20 जुलाई को बाजार में उतारने का फैसला कर लिया है। XUV 200 की आधिकारिक बुकिंग को शुरू अब कर दिया गया है। जी हाँ, ग्राहक इस कार को केवल कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा ही ₹10,000 की टोकन अमाउंट राशि के साथ आज ही वीडियो देखने के बाद भी बुक कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही कंपनी ने अपनी XUV 700 को लॉन्च करके भारत में जैसा कि तहलका ही मचा दिया था। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर और कुछ फीचर्स की झलक भी आप सभी को XUV 200 में दिखाई देने वाली। XUV 200 को भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी ने कॉम मॉड्यूल प्लेटफॉर्म यानी CMFP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। ये इंडियन प्लेटफॉर्म अपडेट करते हुए भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके चलते महिंद्रा के MH प्लेटफॉर्म से मिलता जुलता बताया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत इस कार में ये होने वाली है कि आने वाली XUV 200 को और भी ज्यादा मजबूती के साथ 90% तक स्टेनलेस स्टील से बने साचे से डिजाइन किया गया है, जो कि भारत की सड़कों को उबड़ खाबड़ ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस एसयूवी को कर दिया है। इंजन तथा पावर की बात करी जाए तो महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी कारों को काफी दमदार डिजाइन करती है। जब भी इन कारों को सबसे ज्यादा भारत में पसंद किया जाता है, चाहे वो थार हो या फिर XUV 700 हो। कार को 1.2 लीटर के नेचुरल एसिड 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस अपडेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ संचालित किया गया है, जो कि भारत की सड़कों पे अधिकतम आप सभी को 82 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 92 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। भारत में आने वाली XUV 200 के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT और मैनुअली गियरबॉक्स विकल्प ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करी जाए तो भाइयों क्या ही कहने, XUV 200 के अंदर इतने शानदार इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जब भी इस कार के चलते पेट्रोल के बढ़ते दामों को भारत में चुनौती मिल रही है, यानी आते ही ये कार भारत की सड़कों पे आप सभी को एक अच्छा खासा माइलेज प्रति लीटर में देने वाली है। बढ़ते पेट्रोल के दाम से परेशान हुई छोटी फैमिलियों के लिए ये जबरदस्त कार वरदान साबित भी होने वाली है, क्योंकि 28 से लेकर 32 के आसपास प्रति लीटर पे माइलेज आप सभी को आज के टाइम में CNG विकल्प ऑप्शन में ही दिखाई देता है, मगर आने वाली XUV 200 पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको देने वाली है। देखने में कैसे और क्या होने वाले है कार के फीचर्स, तो मार्केट में आने वाली महिंद्रा मोटर्स का जबरदस्त प्रोडक्शन XUV 200 के लुक और फीचर्स की अब आप बात कर ली जाए तो ये कार आप सभी को दोनों ही मामलों में दिमाग को चकराने वाली है। लुक और फीचर्स के मामले में ये कार फ्रंट फॉक्सिंग अपडेट्स के साथ आती है। इसमें स्लिक ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, जिसपे ब्रांड न्यू महिंद्रा के लोगो को दर्शाया गया है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ इस कार को एक अलग ही एट्रैक्टिव लुक भारत की सड़कों पे देने वाला है। कार के फ्रंट में देखा जाए तो LED हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ ब्लैक रूफ फ्रंट फिट एडजस्टेबल के साथ 16 इंच के अपडेटेड टायर ऑप्शंस को पहली बार सेगमेंट में उतारा गया है। साथ ही साथ कंपनी ने आप सभी को सभी वेरिएंट्स के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट के साथ अलॉय व्हील डुअल टोन कलर ऑप्शंस में ऑफर किए हैं, यानी अब बाहर से अलॉय व्हील लगवाने की इस कार में छुट्टी कर दी गई है। अलॉय व्हील के नए डिजाइन आपको XUV 200 में चुनने का मौका कंपनी ने दिया है। वेरिएंट्स के हिसाब से और कीमत के हिसाब से आप इस कार के अलॉय व्हील्स को भी कस्टमाइज वहीं से करवा सकते हैं, है ना कमाल की बात। भाइयों ये तो होगी कार के एक्सटीरियर की बात, जो कि XUV 200 को बाहर से काफी मस्कुलस बनाते हैं। कार के ग्राउंड क्लीयरेंस को भी भारत के ध्यान में रखते हुए अपडेट किया गया है, यानी अब ये कार कम झटकों के साथ आप सभी को राइड प्रदान करने वाली है। फ्रंट से देखा जाए तो ये कार वाकई में ही बोल्ड लुक के साथ नजर आती है, जो कि अन्य माइक्रो SUV कारों को कड़ी टक्कर देने वाली है। वैसे तो टाटा पंच से इस कार का लुक काफी ज्यादा बेटर मार्केट में अभी बताया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये कार टाटा पंच को बीट भी कर सकती है। अब बात कर ली जाए दोस्तों आने वाली XUV 200 की शानदार फीचर लिस्ट के बारे में, जो कि मैं आप सभी को पहले ही वीडियो में बताया था कि इस कार के अंदर आपको बजट सेगमेंट के हिसाब से ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि आप सभी ने महंगी महंगी कारों में ही देखी होगी। इंटीरियर की सबसे पहले बात करें
करी जाए तो इंटीरियर में आपको ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ एक ब्यूटीफुल सेटअप वाला डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें दोनों साइड आप सभी को अपडेटेड नए डिजाइन वाले इस इवेंट्स दिखाई देते हैं जो कि ऑटोमेटिक अपडेट किए गए हैं। साथ ही साथ उस पे 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन जो कि आज के कोविड के चलते काफी ज्यादा कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात कर ली जाए कार की शान बढ़ाने वाला सेंटर कंसोल में छोटा नहीं बल्कि आप सभी को मिलने वाला 7.5 इंच का टच स्क्रीन NHD फॉर्म के साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम ऐसे बेहतरीन वॉइस कमांड्स वाले फीचर्स आपको इस कार में दिए गए हैं जो कि टाटा पंच में भी आप सभी को दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा USB पोर्ट ऑप्शन पोर्ट के साथ आपको बेहतरीन बोसी के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन जो कि म्यूजिक सुनने वालों को कार में बैठने के बाद अलग ही एंजॉयमेंट देने वाले हैं, है ना कमाल की बात। अब भाइयों बात कर ली जाए कंफर्ट की तो जी हाँ, भारत में एक कार में कंफर्ट भी काफी अच्छी अहम भूमिका निभाता है। हर कोई चाहता है कि हमारी कार कंफर्ट हो और हमारी फैमिली बैठ के कंफर्टली एक राइड को कंप्लीट कर पाए। तो जी हाँ, कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने XUV 200 में अपूल सीट्स का ही इस्तेमाल किया है जिसको आप 13 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट होने के साथ ही साथ बूट स्पेस को मेंटेन भी किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स, जी हाँ, महिंद्रा हमारी ट्रस्टेबल कंपनी भारत की कही जाती है। हर ग्राहक महिंद्रा की तरफ आग बंद करके आज के समय में ट्रस्ट करता है और आप देख ही सकते हैं कि XUV 700 से लेकर आई नई थार के अंदर कितने सेफ्टी फीचर्स और मजबूती के साथ इन कारों को भारत की सड़कों के लिए बनाया गया है। XUV 200 चाहे छोटी हो, अपने सेगमेंट के हिसाब से इस कार को कितने बड़े बड़े अपडेट्स के साथ लाया गया है। ग्लोबल NCP और क्रिस्टिस मानकों के तहत महिंद्रा की स्लॉटी कार को पहले ही बार में 5 की रेटिंग मिल चुकी है, यानी भारत में काफी अच्छी मानी गई है। साथ ही साथ इस कार को 90% तक स्टेनलेस स्टील से अपडेट करके डिजाइन किया गया है जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कार में कैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा भी मिलती है। EBD टेक्नोलॉजी के साथ ABS को भी शामिल किया गया है। IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम के साथ क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री बैक और फ्रंट में दोनों साइड आपको कैमरे देखने को मिलते हैं, यानी ड्राइव करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। साथ ही साथ इस कार में ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल असिस्ट सिस्टम जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स आप सभी को फुल साइज SUV वाले सेगमेंट में बल्कि माइक्रो SUV कार में ही मिल रहे हैं। इस कार को भारतीय बाजार में रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जाना है। एक शोरूम प्राइस आप सभी की चाहती XUV 200 की 3 से लेकर 4 लाख रुपीज के अंतर्गत संभावित बताई जा रही है और ये इसका ऑन रोड प्राइस नहीं है। बात कर लीजिए टॉप वेरिएंट की तो ये कार आप सभी को लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के टॉप वेरिएंट एक शोरूम कीमत के साथ पड़ने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों इस कार को बुक करने के लिए बिला 9 में लगे हुए कमेंट बॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। डायरेक्ट मिलेगा आप सभी को लिंक जहाँ पे विजिट करके पहुंच जाएगी वेबसाइट पे और प्री बुकिंग अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। वीडियो में बनाने में लगता है काफी टाइम, तो भाइयों एक लाइक तो आपको इस वीडियो पे बनता ही है, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग न्यू अपडेट्स की कारों के साथ। धन्यवाद।